हम लोग मक्का से निकल रहे हैं ताइफ के लिए, और ये भी हम रास्ते में, धूप आज अच्छी खासी है। अच्छा, इधर मक्का में ग्रीनरी काफी है इस साइड पे, तो इस साइड पे तो काफी ग्रीनरी है। ये ताइफ वाला रोड शुरू हो गया, अभी राइट लेंगे ताइफ। अच्छा, इधर से राइट लेंगे तो ताइफ वाला रोड शुरू होगा, लेकिन इधर काफी ग्रीनरी है। ताइफ के पहाड़ शुरू हो गए हैं। जी, ये रास्ता जाता है ताइफ को, पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं। अलहुदा पहुंच गए हैं, और ये है अलहुदा, अलहुदा, अलहदा, और यहाँ ठंड है, यानी कि अभी मुझे एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं पता, लाइक जैसे पाकिस्तान में मरी वगैरह में होता है वैसे ही टेम्परेचर है, इधर ठंड है। ये है अलहदा का एरिया, तो ये सारा हिली एरिया, इस राइट पे सारी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल है मिलिट्री का, और इस सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की। ये प्यारी सी मस्जिद, मस्जिदें इधर तीन चार हैं प्यारी प्यारी सी, और यहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको पूरा एरिया को कवर कर सकूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे इनका जो है ये क्या चीज़ है, कैफे मॉलिक्यूल, ये स्टारबक्स का, हाँ ये स्टारबक्स का। तो ये सारी पार्किंग है हॉस्पिटल की, ये सारा प्लाजा जो है पार्किंग है हॉस्पिटल की, और ये एग्जिट है ये सामने जी। तो अभी हम मौजूद हैं अलहदा, और ये एक हिली एरिया है। ये जब आप मक्का से ताइफ की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है, और ये इस जगह इस टाइम मैं मौजूद हूँ अलहदा में। और ये जो जगह है ये एक हॉस्पिटल का एरिया है जो कि मिलिट्री का हॉस्पिटल है, और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं फॉरेनर, जो बाहर से लोग आए हुए हैं जॉब के लिए, जिनमें मेरी सिस्टर है वो भी डॉक्टर है, वो यहाँ उनकी जॉब इधर ही है अलहदा हॉस्पिटल में, मिलिट्री का हॉस्पिटल है ये बेसिकली, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं वो भी इधर ही होते हैं। तो अभी हम उनके घर हैं, मक्का से हम इधर आ गए थे, तो अभी और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप जब भी सऊदी आए तो अलहदा को ज़रूर विज़िट करें ताइफ जाते हुए, और ताइफ तो नो डाउट कोई शक नहीं बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। और ये इस टाइम हम जी शिमापी के घर हैं,
ये शिमापी का टीवी लॉन्च है, डाइनिंग एरिया है और ये घर है, इसमें 3 बेडरूम है। अभी हम फिलहाल ये बाहर की, ये बाहर आपको दिखाता हूँ, बिल्डिंग्स हैं बेसिकली और इस तरफ पहाड़ है, अलहदा में पहाड़ ही पहाड़ है। बहुत ही प्यारी जगह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें, ये शिमापी ने इतना सारा खाना बनाया। ये क्या है रियान? सैलेड। ये क्या? चिकन चिली ड्राई। ये राइस और ये चीज़ केक माशाल्लाह। ये देखें, ये क्या है? ये कोई आलू गोश्त लग रहा है, आलू नहीं है लेकिन, है ना? हाँ, लेकिन है आलू गोश्त। जी ये है खूबसूरत सा अलहदा का एरिया और ये है मिलिट्री का हॉस्पिटल। ये पूरा कैंपस जो है, इसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल की भी है। और ये रात का व्यू, ये सारा हिली एरिया आपको मैं अगर दिखाऊं, ये सामने मस्जिद है प्यारी सी और सारे पहाड़ी पहाड़ हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, रिकमेंडेड। आप अगर ताइफ जाएं तो अलहदा को ज़रूर विज़िट करें। कि ऐसे आके आपको ये बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नज़र आएंगी, GMC और पता नहीं कौन कौन सी, मुझे नाम भी नहीं आते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कंट्री है माशाल्लाह। जब भी आप उम्रे के लिए आएँ तो बाकी सिटीज़ को भी विज़िट करें। मक्का और मदीना तो नो डाउट, कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन सऊदीया के बाकी जो सिटीज़ हैं वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारे, देखने के काबिल हैं। ये हैं हम अलहदा में, मॉलिक्यूल कैफे जो है स्टारबक्स वालों का, और ये इनके कैंपस के अंदर ही है, जो हॉस्पिटल का एरिया है उसके अंदर ही मौजूद है। छोटा सा है, जो लोग इधर रहते हैं कैंपस के अंदर उनके लिए। These are the cheesecakes. They're not colors, yeah. These are too hot, okay? रियान भाई कह रहे हैं इनका बाहर भी सिटिंग एरिया, तो हम लोग बाहर बैठते हैं। But there is no light, रियान। ये भी बाहर बैठने की जगह है। इस साइड पे बहुत प्यारी जगह, बट जो है इधर की लाइट शायद ख़राब है। ये आउटसाइड का एरिया है मॉलिक्यूल का, यहाँ बैठ के आप कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हैं।